जी बी द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, प्रूव ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ जी ए स्क्वायर प्लस जी बी स्क्वायर प्लस जी सी स्क्वायर। तो लेट्स से हम सबसे पहले क्या करते हैं, ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। तो लेट्स से दिस इज अवर ट्राइंगल, है ना। अब ट्राइंगल क्या होता है, ये इसका ट्राइंगल हो गया, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। ओके, अब इसका लेट से मीडियंस ड्रॉ करते हैं हम इसकी। तो इसकी तीनों मीडियंस हम ड्रॉ करेंगे तो कैसे होंगी, इसकी एक मीडियन हो गई, दूसरी मीडियन हो गई और इसकी थर्ड मीडियन हो गई, और इन सबका इंटरेक्शन इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, जी ए, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। अब लेट से ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वन कमा वाई वन, बी के हैं एक्स टू कमा वाई टू एंड सी के क्या है एक्स थ्री कमा वाई थ्री। नाउ अब हमें पता है सेंट्रॉइड क्या होता है, तो जी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, जी के कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई थ्री कॉमा वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बाई थ्री। तो ये क्या हो गई वैल्यू, जी की वैल्यू हो गई, है ना। हमें डिस्टेंस फॉर्मूले से सी हम क्या कहते हैं, हम ऐसा बोलते हैं कि जो हमारा सेंट्रोइड है वो क्या है, एक ओरिजिन है, ठीक है। सो लेट्स से हम यहाँ से बोलेंगे कि एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई थ्री ये क्या है, इक्वल टू जीरो है। सिमिलरली मतलब हमने ओरिजिन जी पे शिफ्ट कर दिया है अपना, एंड सिमिलरली वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बाई थ्री इट इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमारे पास में एक रिलेशन क्या गया, ये एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री इज इक्वल टू जीरो एंड वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री इज इक्वल टू जीरो। अब मैं क्या करूंगा, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री का होल स्क्वायर कर दूंगा। तो वी नो ए प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होगा वो भी क्या जाएगा, इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो है। तो एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, है ना। तो यहाँ से एक रिलेशन क्या जाएगा, एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर प्लस एक्स थ्री स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ एक्स वन एक्स टू प्लस टू टाइम्स ऑफ एक्स टू एक्स थ्री प्लस टू टाइम्स ऑफ एक्स वन एक्स थ्री, ये वैल्यू इक्वल टू जीरो। सिमिलरली हम अगर वाई के लिए भी करेंगे तो क्या आएगा, वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्या जाएगा, वाई वन स्क्वायर प्लस वाई टू स्क्वायर प्लस वाई थ्री स्क्वायर इज इक्वल टू टू वाई वन वाई थ्री प्लस टू वाई टू वाई थ्री प्लस टू वाई वन वाई टू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो लेट्स से दिस इज इक्वेशन वन एंड दिस इज इक्वेशन टू। ओके नाउ अब अगर हम देखें तो सबसे पहले ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर क्या होगा, सी। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वन वाई वन, बी के एक्स टू वाई टू एंड सी के हैं एक्स थ्री वाई थ्री। तो ए बी स्क्वायर क्या जाएगा, एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर, तो जाएगा एक्स वन माइनस एक्स टू स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू स्क्वायर। सिमिलरली बी सी के लिए क्या बोल सकते हैं, ये हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स थ्री स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई थ्री स्क्वायर प्लस। सिमिलरली ए सी क्या जाएगा, एक्स वन माइनस एक्स थ्री स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई थ्री स्क्वायर, है ना। तो ये वैल्यूज हो गई किसकी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर की, ठीक है। नाउ अब यहाँ से अगर हम देखें तो इसका हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा पूरी की वैल्यू जब हम पूरी सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद जो हमें वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, लेट्स सी। सी यहाँ हमें टू टाइम्स क्या मिलेगा, एक्स वन स्क्वायर मिलेगा जब हम सॉल्व करेंगे, तो टू टाइम्स ऑफ एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर प्लस एक्स थ्री स्क्वायर, है ना। और सिमिलरली टू क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, माइनस टू एक्स वन एक्स टू माइनस टू, यहाँ से माइनस टू एक्स टू टाइम्स कॉमन ले लो तो जाएगा माइनस टू एक्स वन एक्स टू प्लस यहाँ पे आएगा एक्स वन एक्स थ्री प्लस एक्स टू एक्स थ्री। सिमिलरली वाई के लिए भी आ जाएगी वैल्यूज, तो क्या टू टाइम्स ऑफ क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से, वाई वन स्क्वायर प्लस वाई टू स्क्वायर प्लस वाई थ्री स्क्वायर, और वैल्यू क्या जाएगी,
it is equal to plus 2 times of y1 y2 plus y2 y3 plus y1 y3, है ना। ये आ गई हमारी किसकी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर की वैल्यू। अब सी, अगर हम यहां से देखें तो टू टाइम माइनस ऑफ टू टाइम्स ऑफ एक्स वन एक्स टू प्लस एक्स वन एक्स थ्री प्लस एक्स टू एक्स थ्री की वैल्यू क्या है, एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर प्लस एक्स थ्री स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी अगर हम इक्वेशन वन और टू से पुट करेंगे, तो वैल्यू किसके इक्वल हो गई, इट इज इक्वल टू थ्री टाइम्स ऑफ एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर प्लस एक्स थ्री स्क्वायर। सिमिलरली क्या होगा, टू टाइम्स ऑफ वाई वन स्क्वायर प्लस वाई टू स्क्वायर प्लस वाई थ्री स्क्वायर है और नीचे क्या है प्लस टू टाइम्स ऑफ वाई वन वाई टू, ये पूरी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, ये माइनस नहीं लिखा यहाँ पे माइनस है ना, तो जब माइनस ऑफ इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या होगा वाई वन स्क्वायर प्लस वाई टू स्क्वायर प्लस वाई थ्री स्क्वायर, तो वो भी हो जाएगा थ्री टाइम्स ऑफ वाई वन स्क्वायर प्लस वाई टू स्क्वायर प्लस वाई थ्री स्क्वायर। अब हमने थ्री कॉमन ले रखा है इसलिए हमने क्या करा, इसे ऐसे ही पुट कर दिया है। नाउ अब हमने जी को क्या कर रखा था, ओरिजिन कंसिडर किया था, तो ओरिजिन है अगर जी हमारा, तो जी ए की वैल्यू क्या जाएगी, जी ए स्क्वायर प्लस जी बी स्क्वायर प्लस जी सी स्क्वायर, ये वैल्यू क्या जाएगी, जी ए क्या हो जाएगा एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर, एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर सॉरी। सिमिलरली जी बी क्या जाएगा एक्स टू स्क्वायर प्लस वाई टू स्क्वायर, एंड सिमिलरली जी सी क्या जाएगा एक्स थ्री स्क्वायर प्लस वाई थ्री स्क्वायर, ये वैल्यू किसकी हो गई हमारी, जी ए जी बी और जी सी स्क्वायर की। एंड वी कैन क्लियरली सी ये क्या लिखा हुआ है, वन बाय थ्री टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, तो वैल्यू क्या जाएगी, इट इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर सॉरी अंदर ही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही इक्वेशन हो जाएगी यहाँ से, जो हमें प्रूफ करना था वो हमें मिल जाएगा, तो मिल जाएगा क्या कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री टाइम्स ऑफ जी ए का स्क्वायर प्लस जी बी का स्क्वायर प्लस जी सी का स्क्वायर। सो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री टाइम्स ऑफ जी ए स्क्वायर प्लस जी बी स्क्वायर प्लस जी सी स्क्वायर।